पानी की बहुत समस्या है, 1.5 महीने से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। आ रहा है हल्का सा, कभी आता है 10-15 मिनट, एक आधा फीट तक भी ऊंचा नहीं चढ़ पाता है वो पानी। और मतलब बाल्टी में भी पानी आना मुश्किल हो जाता है, ऐसा आता है रोता हुआ पानी। तो पानी की समस्या, पानी तो जरूरी चाहिए ही। 1.5 महीना होने को आ गए, 1.5 महीने से ऊपर हो रहा है टाइम। गर्मी बहुत भयंकर है तो उस वजह से पानी की समस्या सबको हो रही। पानी के बिना कहाँ जाए, गर्मी में पानी तो चाहिए। अभी गर्मी स्टार्ट है, आगे तो क्या हाल हो जाएंगे। और इसलिए हम कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। गली की औरतें सारी पूरी इकट्ठी होके आई है और मटकियां फोड़ी यहाँ आके, और अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं हम लोग यहाँ से। 1.5 महीना हुआ पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। 1.5 महीने से 10 तो टंकियां नमा दी, मोहल्ले में बोल हल मस रही है। गर्मी का मौसम आ रहा है, मटकियां फोड़ दी, उसको कलेक्टर साहब को कह दिया। शर्मा 2-3 बार देख के गए, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, बिल्कुल दिलासा दे के दे जाता है। एक्चुअली कई मीटिंगों में मैं आता हूँ और कलेक्टर साहब की मीटिंगों में भी रहता हूँ और PhD वालों को कई बार कहा, मगर उसमें ये कह देते हैं कर देंगे, मगर 1 महीने से मैं भी खुद कुछ वार्डों में, जैसे मेरे वार्ड में मैं खुद गया और मैंने महेश शर्मा जो ये ने उनको भी बुलाया और कई बार कहा, मगर उसमें ये प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा है। मगर प्रशासन को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आम पब्लिक पानी बिगड़ जाएगी कैसे, और शहर में काफ़ी टैंकर भरे जा रहे हैं, इस पर इनको ध्यान रखना चाहिए। व्यवस्था शहर की सुचारू करने का इनका पूरा दायित्व है। प्रशासन पूरा अपना काम उस तरीके से करे कि शहर में समस्या का समाधान रहे। मैं 15 दिन पहले भी गया था वार्ड में, कल भी गया था, 2-3 बार AN भी आए थे, मगर शहर की समस्या, पानी की समस्या काफ़ी है। वार्ड संख्या 21 है, वार्ड संख्या 15 है, वार्ड संख्या 37 है, वार्ड संख्या 19 है, कई 20 है, कई वार्डों की पानी की समस्या है। ठीक है, 2 दिन से ये कह रहे थे कि सफाई व्यवस्था है, 2 दिन नहीं, मैं 1 महीने से देख रहा हूँ पानी की समस्या शहर में काफ़ी चल रही है। इस बारे में तो ये जनता तो दुख का कारण है, तो ये इनको प्रशासन को सोचना चाहिए।